व्यापारियों की आवाज़ व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश की नगर की एक मीटिंग हनुमान चौक पर चमन इलेक्ट्रिकल्स पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष शलभ गुप्ता द्वारा को गई और संचालन जिला महामंत्री जनार्दन विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मीटिंग में नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के प्रयासों से नगर कमेटी में विस्तार किया गया। तारांकन। शलभ गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज व्यापारियों की आवाज़ व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के प्रयासों से नगर में श्री पवन सिंघल जी को उपाध्यक्ष, श्री जय कुमार जी उपाध्यक्ष, श्री गोपाल दास गर्ग उपाध्यक्ष, श्री दिनेश कुशवाहा उपाध्यक्ष, श्री अमित वर्मा को कनिष्ठ महामंत्री बनाया गया। तारांकन। शलभ गुप्ता और जनार्दन विश्वकर्मा द्वारा आए हुए सभी व्यापारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया और कहा कि व्यापार मंडल का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी एकता ही हमारी ताकत है और सदैव हम सब एक साथ चलकर व्यापारियों के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। मनोज गुप्ता और विजय बाटा ने संयुक्त रूप से कहा कि हम सब व्यापारियों की आवाज़ बनकर कार्य करेंगे और किसी भी व्यापारी का शोषण नहीं होने देंगे। दीपक मित्तल सर्राफ और परवीन तायल ने कहा कि हमारा व्यापार मंडल शीघ्र ही व्यापारियों के अस्तित्व को लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा और ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ आंदोलन करेगा। नव नियुक्त सभी व्यापारीगण पवन सिंघल, जय कुमार, गोपाल दासगर, दिनेश कुशवाहा, अमित वर्मा के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और कहा कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसका सम्मान ढंग से निर्वहन करेंगे और व्यापारी मंडल का विस्तार करेंगे। मीटिंग में मुख्य रूप से शरद गुप्ता, दीपक मित्तल सर्राफ, जनार्दन विश्वकर्मा, मनोज गुप्ता, विजय बाटा, पवन सिंघल, जय कुमार, अमित वर्मा, गोपाल दासगर्ग, दिनेश कुशवाहा, परवीन तायल, अमित जैन, विपिन गुप्ता, अरविंद गोयल, मयंक बंसल, अक्षत अग्रवाल आदि व्यापारीगण मौजूद रहे। बहुत खुशी हुई और सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने कहा किसी भी से कोई भी क्वेश्चन किसी व्यापारी को होता है 24 घंटे हम खर्च में साथ हैं। आपने कहा कि एकता जो है वो ऐसी चीज़ है, एक पर एक ज़्यादा होते हैं। हम तो बहुत लोग हैं यहाँ पर और सब अपने आप में सक्षम है। अगर हम में से 5 आदमी कहीं चले जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि हम पहले किस मतलब क्या उनका अधिकारी हूँ, बहुत बड़े छोटे अधिकारी हो या डीएम हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, कि वो आपकी बात को ना सुने और उस पर कार्रवाई ना करें। ठीक है, और धन्यवाद। एक हमारे बीच हमारे उपाध्यक्ष जी जनार्दन जी को, पाटा जी कहाँ गए, आ जाओ आ जाओ, पाटा जी को पहनाओ भाई, अभी करवा रहा हूँ। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच ऐसे ऐसे व्यापारी जो हमेशा व्यापारियों के लिए संघर्षरत रहे हैं, वे हमारे से जुड़ने का हमें उन्हें जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं भगवान श्री राम का, भगवान हनुमान जी का, क्योंकि यहीं बैठे हैं तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे व्यापार मंडल को जो एक अचीवमेंट दिया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा व्यापार मंडल आपके साथ लगातार खड़ा है, आपके व्यापारियों के साथ खड़ा है। अगर कहीं भी आप कोई सूचना देंगे तो उसको हम लोग सब इकट्ठे जाकर उसकी बात को शासन प्रशासन का रखें और हल कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों से भी आशा करूँगा इसी प्रकार अन्य व्यापारियों को जोड़ने का आप कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी एकता। और मैं चाहूँगा कि विपिन जी दो शब्द हैं, दीपक मित्तल जी, आप जय कुमार जी का, जनार्दन जी और बाटा जी, आप अमित वर्मा जी का, परवीन जी, अमित जैन जी और विपिन जी, अरक्षित जी, श्री गोपाल दासगर्ग जी का, आप श्री दिनेश कुशवाहा जी का, मैं आज हमारे जो बड़े भाई भी हैं हम हनुमान जी के पास बैठे हैं, हनुमान जी को नमन करते हुए, भगवान श्री राम को नमन करते हुए, मैं सभी व्यापारी साथियों को जो आज व्यापार मंडल में जुड़ रहे हैं व्यापारी के आवाज़ में, मैं आपका व्यापारी के आवाज़ व्यापार उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसे हमारे मनोज जी अभी पीछे नगर अध्यक्ष बने, मैं बता दूँ दोस्तों हमारा व्यापार मंडल व्यापारियों की आवाज़ उत्तर प्रदेश बनने का कारण क्या था, कुछ व्यापारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था जो उनकी समस्याओं को, अपनी बातों को शासन और प्रशासन तक पहुंचा सके। हम सब लोग बैठे व्यापारियों के बीच में रहना उठना है, व्यापारियों के बीच बैठ रहा है, व्यापार करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा व्यापार मंडल बना जाए जिसमें हमें सभी व्यापारियों को साथ लेकर चले और उनकी बात को, उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन के बीच लेकर जाए। उसी कड़ी में बैठकर हमने दीपक जी ने, परवीन जी ने, सब ने, जनार्दन जी ने, मनोज जी ने बैठ कर इस व्यापारियों के बाद व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का गठन किया। और मैं आपको बता दूं लगभग हमें 4 महीने हुए हैं, 4 महीने में हम लगभग 10 से 12 प्रोग्राम कर चुके हैं और हमारी 10 से 12 इकाइयाँ
तैयार हो चुकी है, जो एक व्यापार मंडल के बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कोई भी व्यापार मंडल इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सभी व्यापारी हम लोग जैसे ही हमें पता चलता है कोई व्यापारी संकट में है या किसी व्यापारी का कोई शोषण किया जा रहा है, हमारे व्यापार मंडल का प्रतिनिधि मंडल तुरंत उनके बीच पहुंचता है, उनके बातों को शासन और प्रशासन तक ले जाने की बात करता है। और ये बता दूं मैं आपको, आप लोग आज जुड़े हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमारे मनोज जी खड़े हो जाओ। मनोज जी जो नगर अध्यक्ष है हमारे, इनके प्रयासों से हमारे बीच आज श्री पवन सिंगल जी, बालाजी ट्रेडर्स वाले, इन्हें उपाध्यक्ष का, इन्होंने नगर उपाध्यक्ष का पद दिया है। खड़े रहिए आप। श्री जय कुमार जी जो चमन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं यहाँ, जो हनुमान चौक की एक बहुत बड़ी शान है, हनुमान चौक पर जिनकी दुकान का एक नाम है, उन्हें भी आज उपाध्यक्ष के पद से नवाजा है। श्री अमित वर्मा जी दीपा एंटरप्राइजेस से, इन्हें कनिष्ठ महामंत्री जी बनाया गया है। श्री गोपाल दास गर्ग जी, इन्हें भी उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और दिनेश कुशवाहा जी खड़े हो जाइए, दिनेश कुशवाहा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इन्हें उपाध्यक्ष दिया जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे सबसे पहले मनोज जी, हमारे डॉक्टर जी कुमार जी का स्वागत। आज हम सब व्यापारी एक जगह इकट्ठे हुए हैं और एकता में शक्ति है, किसी एक की आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन जब हम सब जाएंगे तो हमारी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी। तो ये बहुत ही खुशी का विषय है, हम सबको मिल के इकट्ठा रहना है और किसी भी के एक फोन पे इकट्ठा हो जाना है, ताकि किसी भी व्यापारी का कोई शोषण ना हो सके। हम सब मिलकर रहेंगे तो किसी का शोषण संभव ही नहीं है। जय हिंद। जय। मैं कुमार गुप्ता, मोनार्क इलेक्ट्रिकल्स। भाई शलभ जी ने मुझे यहाँ पे नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसके तहत मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शहर में जितना भी मेरा कुनबा है, मेरे परिवार के लोग हैं, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं व्यापारी लोग, मैं उनको ज़्यादा ज़्यादा अपने साथ जोड़ूं और भाई शलभ को अपना काम सिद्ध करके दूं। मेरा नाम जय कुमार हुआ, जो आज ये मीटिंग हुई है, भाई साहब प्रमोद जी हमारे कुमार पहले छोटे भाई हैं, इनकी सुजानगी से इन्होंने मुझे कल रात आदेश किया और ये प्रोग्राम आज हुआ यहाँ पर, मुझे बहुत खुशी है। और हमारे सारे व्यापारी भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं सबसे आश्वासन देता हूँ कि हमारी इस इकाई को हनुमान चौक को इतना विस्तार दिया जाएगा, ये लगेगा मुजफ्फरनगर में एक व्यापार मंडल हनुमान चौक पर ही खड़ा हो गया। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके लिए, यहाँ बहुत लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इसको बहुत विशाल रूप दिया। मेरा नाम पवन सिंगल है और आज ये जो व्यापार संगठन बनाया गया है हमारे मनोज गुप्ता कोनार किया के किसानों ने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़रूरी था और हम सब व्यापारी लोग इसमें मिलकर काम करेंगे और किसी भी समय किसी का फ़ोन आएगा तो एक ही फ़ोन पर सभी लोगों की इकट्ठे होंगे और सभी व्यापारियों को आगे भी इसमें पूर्ण रूप से जोड़ा जाएगा और जो भी हमारे इलाके से होगी पूर्ण मन से की जाएगी। तो आज किस उपलक्ष्य में ये रखी गई है व्यापार मंडल की मीटिंग? अभी कुछ देर पूर्व हमारे व्यापारियों के आवाज़ व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारे बीच हमारे मनोज गुप्ता जी कुनाक इलेक्ट्रिक्स वाले, इन्हें नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, तो इन्हें अपनी कमेटी बनाने का जो जिम्मेदारी हमारे द्वारा सौंपी गई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मनोज जी के द्वारा हमारे व्यापार मंडल के कुंडल में वृद्धि करते हुए श्री पवन सिंगल जी बालाजी ट्रेडर्स वालों को जो उपाध्यक्ष बनाया है, श्री जय कुमार जी जो चमन इलेक्ट्रॉनिक्स है जिनकी हनुमान चौक पर उपाध्यक्ष इन्हें बनाया है, श्री अमित वर्मा जी को कृपा एंटरप्राइजेज वालों को कनिष्ठ महामंत्री बनाया है, श्री गोपाल दास गर्ग जी को भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और श्री दिनेश कुशवाहा जी व्यापारी हैं, इन्हें भी उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इस कुंबे को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार ये व्यापारियों की आवाज़ व्यापार मंडल को